सुहाना विधानसभा से बीजेपी से टिकट के दावेदारी कर रहे मुकेश यादव से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता प्रियंका रावल ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार तीन मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक क्षेत्र की आवाज बनकर कोई आगे नहीं आएगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर जनता मौका देगी तो वो विकास को बढ़ावा देंगे। स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद न्यूज चैनल ऑनलाइन टीवी में। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही टिकटों को लेकर जंग तेज और दिलचस्प हो चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर ऑनलाइन टीवी आ चुका है हरियाणा प्रदेश की सोहना विधानसभा क्षेत्र में, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुकेश यादव जी। आइए सीधे संवाद करते हैं मुकेश जी से और जानते हैं कि इस बार इनका मुद्दा धरातल पर क्या रहने वाला है। देखिए प्रियंका जी, किसी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए तीन चीज़ें मेरे मायने में इम्पोर्टेंट होती है, रीजन, विजन एंड सॉल्यूशन। तो जब तक हमारे पास विजन नहीं होगा हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन उसके साथ साथ ज़रूरी है। तो चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा रीजन हमारा, जितनी बार यहाँ चुनाव हुए लगभग ज़्यादातर बाहरी लोग आ जाते हैं और वो चुनाव लड़ते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं और मतलब टाइम स्पेंड करते हैं और मतलब जवाब देने के लिए उनके पास बाद में कुछ होता नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब तक इस क्षेत्र की आवाज़ बनकर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने मन बनाया, इस क्षेत्र के ज़्यादातर लोगों ने मेरे से आग्रह किया, सबसे हमारा विचार विमर्श हुआ, उसके बाद हमने ये मन बनाया कि हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपका मुद्दा विकास का है, बात करें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्या लगता है 50-50 का रेशो या फिर 60-40 का रेशो? देखिए कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के पास तो अब कुछ रहा नहीं है। सोहना सीट पे तो बीजेपी ही जीतेगी और यहाँ हमें लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी के अंदर विश्वास है जनता का वो अटूट है। यहाँ के जो हमारे सांसद है गुड़गांव से राविंद्रजीत सिंह, जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ये सारा क्षेत्र भी उन पे विश्वास करता है। पहले भी उन्होंने तावड़ू को गुड़गांव में मिलाने के मुद्दे की मांग उठाई है, सीएम साहब से भी कई बार मिले हैं, तो हमें विश्वास है कि बीजेपी ही जीतेगी। दो शब्दों में जनता आपको वोट क्यों दे, क्योंकि टिकटों को लेकर घमासान चल रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, तो आखिरकार ऐसे कुछ दो या तीन अहम मुद्दे, रोटी, बेरोजगारी, कपड़ा और मकान, ये अपनी बुनियादी जो मांगे हैं वो जनता की हैं, लेकिन इससे अलग हटकर आप ऐसी कौन सी सुविधा मतलब आम जनता को प्रोवाइड कराएंगे जो कि जनता आपको वोट देगी? ऐसा है, जनता को वोट देने से पहले विचार विमर्श करना चाहिए जरूर कि हम ये कैसा कैंडिडेट है, इसको क्यों वोट दे। मैंने पहले ही आपको बताया है कि कैंडिडेट के पास रीजन, विजन और सॉल्यूशन तीनों चीज़ें होनी चाहिए। मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ, इसका कैसे सॉल्यूशन करूँगा, तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें मेरे पास है और मैं जनता का विश्वास पे खरा उतरूँगा। तो ये थे हमारे साथ मुकेश यादव जी, इनका साफ साफ विजन है, रीजन, विजन और सॉल्यूशन, इसी मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में उतरेंगे। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता किसके पक्ष में होगी, रीजन, विजन या सॉल्यूशन या कोई अलग मुद्दे। वीडियो जर्नलिस्ट राघव के साथ प्रियंका, ऑनलाइन टीवी सोहना।